उदाहरण एक, एक रेखा x तथा y अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण बनाती है। यह रेखा z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगी? ये हमारे अक्ष हो गए। 3D में हम अक्ष इस प्रकार से बनाते हैं, ये x अक्ष हो गया, ये y, मूल बिंदु हमारा ये है O, ये हमारा हो गया z अक्ष। हम इसको भी x अक्ष ले लेते हैं, इसको भी y अक्ष ले लेते हैं। यहां मैंने इसको x अक्ष लिया है और इसको y अक्ष लिया है। अब रेखा किस प्रकार से है? रेखा इस प्रकार से है कि मान लिया ये हमारी रेखा है, OP हमारी रेखा है। ये रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से तो 30 डिग्री का कोण बना रही है, ये कोण तो है 30 डिग्री का। y अक्ष की धनात्मक दिशा ये वाली होगी, इसके साथ जो रेखा कोण बना रही है वो कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है। अब हमें ज्ञात करना है कि ये कोण जो z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ है रेखा का, वो कितना है। अब हम जानते हैं कि जो x अक्ष और y अक्ष, z अक्ष, इनके साथ जो रेखा कोण बनाती है उनका कॉस कंपोनेंट, उनका कोसाइन एल एम और एन द्वारा निरूपित होता है। अर्थात यहां कॉस 30 डिग्री तो हमारा हो जाएगा एल और एम हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। हम मान लेते हैं कि ये कोण गामा है। जो रेखा z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण बना रही है वो कोण गामा है, अर्थात n हमारा हो गया cos गामा। अब cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 बटा 2, तो l हमारा हो गया अंडर रूट 3 बटा 2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2, तो m का मान हो गया 1 बटा 2 और n हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि l, m, n जो कि डायरेक्शन कोसाइंस है, दिक् कोज्याएं हैं, उनमें संबंध होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये उनमें संबंध है। तो मैं एल एम के मान तो रख सकता हूं, एन का मान मैं ज्ञात कर लूंगा इस सूत्र से। तो ये हो गया अंडर रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर, एम स्क्वायर अर्थात 1 बटा 2 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। अंडर रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर हो गया 3 बटे 4, ये हो गया 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4 प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो 3 बटा 4 और 1 बटा 4 हो गया 1, तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया जो हमें देता है एन स्क्वायर बराबर 0, अर्थात n का मान 0 के बराबर है, अर्थात n का मान 0 के बराबर है। अब n 0 ले लें तो cos गामा कितना हो जाएगा? cos गामा 0, अर्थात जो गामा का मान हो गया वो हो गया 90 डिग्री, क्योंकि cos में 90 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो कोण गामा बराबर है 90 डिग्री, अर्थात जो रेखा है वो z अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा यदि 90 डिग्री का कोण बनाए तो ऐसा, ऐसी रेखा कहां पर होगी? ऐसी रेखा XOY इस समतल में होगी। तो इसलिए रेखा XY समतल में है, क्योंकि यदि कोई रेखा XY समतल में होगी तभी वो रेखा Z अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसलिए रेखा, हमें Z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण ज्ञात करना है, कोण है 90 डिग्री, अर्थात रेखा XY समतल में है।